आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आइए चलते हैं वीडियो पर। इससे पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। आइए देखते हैं। आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कारण सिर्फ यही होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की आपको कम जानकारी है या फिर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस स्टॉक मार्केट सीख पाओ। आइए देखते हैं क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट नंबर वन, एक्सपर्ट के ज्ञान और अनुभव का फायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे उनके ज्ञान और अनुभव से इन्वेस्ट करते हैं और वो हमेशा बेहतर लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट नंबर दो, बहुत कम पैसे में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप मात्र 500 रुपये प्रति महीने से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट नंबर तीन, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है। म्यूचुअल फंड में अपने आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट होता है जहां म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के अनुसार अलग अलग इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज स्टॉक में निवेश किया जाता है और इन्वेस्टर को स्वाभाविक रूप से डाइवर्सिफिकेशन का लाभ भी मिल जाता है। प्रॉफिट नंबर चार, समय की बचत। एक बार जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है तो उसके बाद जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड मैनेजर की होती है। फंड हाउस और फंड मैनेजर इस बात की स्टडी और एनालिसिस करने में अपना समय लगाते हैं कि स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है और कब तक करना है। इसी तरह आम निवेशक की समय की बचत होती है। प्रॉफिट नंबर फाइव, म्यूचुअल फंड मार्केट में हजारों तरह के ऑफर उपलब्ध हैं और नए नए ऑफर्स आते रहते हैं। जैसे में एक निवेशक के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, साथ ही अलग अलग बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑफर उपलब्ध हैं जिसमें टैक्स बचाने की सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड के फायदे समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें।